बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरा जी टीवी की तरफ से आप सबको मेरा सलाम। यकीनन मेरे व्यूअर्स जहाँ भी होंगे खैफे होंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, आप लोगों को आज की रेसिपी बताने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मसरा जी टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को व्यू किया करें और व्यूअर्स बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स आज हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं लड़मीन। नन जोड़ो उमा द वजीरस्तान द गड गाखर लड़मीन, यानी के जो वजीरस्तान की दुम्बे की जो लड़मीन है वो जो स्पेशलिटी आज हम वो बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो से इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे बहुत ही सिंपल, ये जो केपीके और नॉर्दर्न एरियाज की जो वैरायटीज हैं वो बहुत सिंपलिसिटी में बनती हैं और ख़ास तौर पे जो उनका गोश्त वगैरह होता है। तो इसके लिए हमने ये दुम्बे का गोश्त लिया है, ये 1.5 kg है, 1 पाव के करीब या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये चर्बी है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये देखें इसकी इस तरीके से लेयर्स बनी हुई है, इस तरीके से कटवाया है, ये कहना पड़ता है ना कि इस तरीके से। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये दरदरा पिसा हुआ जीरा है, हसबे ज़रूरत नमक है और ब्लैक पेपर है। इन द एंड मैं इसमें ग्रीन चिली यूज करूंगी मगर बहुत ही कम। तो व्यूअर्स आते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो खाओ माँ। व्यूअर्स कढ़ाई में ऑयल डाल दी है और मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। व्यूअर्स अदरक हुआ फ्राई हुआ, अदरक लहसुन पकाऊ हुआ। अब ये मैंने इसमें जितना फ्राई हो गया मैं इसमें साल्ट डाल रही हूँ हस्ते जरूरत, क्योंकि वजीरिस्तान की स्पेशलिटी है तो वजीरिस्तान की जबान भी, ताकि वजीरिस्तान वाले भी देखें। दरदरा पिसा हुआ जीरा डाल रही हूँ और क्रश कर किया हुआ है, भुना हुआ है ये। चर्बी डाल रही हूँ। यस ये देखें ये चर्बी मेल्ट हो रही है, इसमें एक्स्ट्रा ऑयल ज्यादा नहीं डालना, अ लिटिल बिट मैंने डाला था कि फौरन जलने न लगे। और ये देखें ब्लैक पेपर मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। ये पठानों वाले जो गोश्त हैं व्यूअर्स ये बहुत मिर्च मसाले ज्यादा नहीं खाते हैं, इसीलिए ज़रा गोरे चिट्टे होते हैं। हम लोग पंजाब वाले ज़रा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तो मैंने कहा मेरे पंजाब वाले और हम लोग सब लोग फेयर हो जाए, सिंपल सिंपल खाना, एनर्जेटिक खाना, सर्दियों का स्टार्ट है तो सोचा सबसे जो बेस्ट स्पेशलिटी है वजीरिस्तान की वो शेयर की जाए अपने व्यूअर्स के साथ। व्यूअर्स ये मैं ढक के रख रही हूँ ताकि ये खुश्क हो जाए। व्यूअर्स ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है, ये गोश्त ने अपना पानी खुद छोड़ दिया और ये देखिए कैसे मेल्ट हो रहा है, कलर कैसे बदला, ये बिल्कुल हम खुश करेंगे इसमें। फिर उसके बाद थोड़े पानी में इसको पकाएंगे, ये इससे हम नमक काली मिर्च और अपनी चर्बी अदरक लहसुन के पेस्ट में पक रहे हैं। ये देखें इसको पेशे में ढक्कन ढक के रखेंगे। वाह अल्हम्दुलिल्लाह, व्यूअर्स देखें
बिल्कुल पानी खुश्क हुआ है, चर्बी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब ये अपने चर्बी में पकेगा। मैं अब स्लो फ्लेम कर रही हूँ इसका, और ये अपने फ्लेम में पकेगी। आफ्टर 5 मिनट के बाद अब ये मैं इसमें नीम गर्म पानी डाल रही हूँ। आफ्टर 25 मिनट के बाद याद देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई बेहतरीन की जरूरी बन गया है। अब सिर्फ हल्का जीरा देके सिर्फ ऐसे बस इसे नीचे डाल दूंगी। ये देखें, अब मैं इसकी फ्लेम स्लो कर रही हूँ और नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। व्यूअर्स ये देखें, बिल्कुल बिल्कुल पक गया है, और अब ये जो चर्बी वाला ऑयल है ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब ये लगे नहीं तो मैं ये आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसका प्रोसेस है। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोंगा लड़मीन तैयार शो। गुस्सा डेरा नरम दे मजे दूर दे। देखें पियर्स, बहुत सॉफ्ट बहुत नरम हमारा गोश्त। देखें टू मच यमी। और इस बहुत ये अपने अपने पानी में ज्यादा पकाया है इसको मैंने, और इसकी सर्विंग ऐसे है। ये ऑयल है चर्बी के, इसका चर्बी का जो ऑयल है ये, और ये, और ये इस तरीके से इसकी सर्विंग है। ये वजीरिस्तान में केपीके में बहुत ज़्यादा सर्दियों में ये यूटिलाइज, बहुत इनकी एक फेमस डिश है। अगर आपको इसका पकाने का तरीका तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुसर्रा जी टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को व्यूअर्स स्टार में प्रेस करें ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुसर्रा जी टीवी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।